चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, एसबीआईपीओ हो, टेट हो, पीजीटी हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, आपको इंग्लिश आजकल कंपलसरी कर दी गई है। सो एक सेक्शन जरूर होता है जिसमें आपको इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कई लोगों को डिफिकल्टी होती है क्योंकि सबका अलग अलग मीडियम होता है, उड़िया मीडियम, हिंदी मीडियम। सो जरूरी है कि आप इंग्लिश में पकड़ बनाएं, मास्टरी करें, ताकि आपको ये सेक्शन आसान लगे और आप इजीली जो है अच्छी रैंकिंग लाकर अच्छी जॉब ले सकें। सो कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि आप ये जो सेक्शन है वो भी कवर कीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला। सो मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं आपके लिए ऐसे भी वीडियोस लाऊंगी जिसमें आपको मैं सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो कवर करवाऊंगी। अब मैं आपको इन ब्रीफ बता देती हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह की इंग्लिश पूछी जाती है, और इसे आप ध्यान से सुनिएगा। और मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि हम इजी वे में सारा इंग्लिश जो है कवर करने वाले हैं आगे। तो जरूर से शेयर कीजिए इस वीडियो को। अब आप ये डिवीजन देखिए, आपको इतना आना चाहिए, यही डिवीजन होता है किसी भी एग्जाम में जो आपको पूछा जाता है। फर्स्ट है आपका वोकैबुलरी, देन ग्रामर, देन कॉम्प्रिहेंशन। सो इसमें कुछ और भी चीजें आती है जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो ये तीन चीजों में है जो आपको मास्टरी करना है और आपको अच्छा परफॉर्म करना है, सीखना है, ताकि आप अच्छे नंबर लेके आ सके। अब हम देखते हैं फर्स्ट सेक्शन जो कि है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपके जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं, या आपका जो स्पेलिंग टेस्ट होता है, स्पेल चेक होता है, वो भी इसी में आता है। फिर आपका आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। सो ये चारों चीजें जो है वोकैबुलरी पार्ट में आएंगी, तो इन्हें आपको मास्टर करना है ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। अब सेकेंड होता है ग्रामर का सेक्शन, इसे ध्यान से देखिए। अब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको ये हेल्पफुल होगा, और ये जो लेसन्स मैं लाने वाली हूँ वो आपके डे टू डे स्पीकिंग में भी हेल्पफुल होंगे, और अगर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए तो हेल्पफुल होगा ही। सो अब देखते हैं हम कि ग्रामर में आपका क्या क्या आएगा। अब इस सेक्शन में आप देखिए, पहला है कि आपको एरर डिटेक्शन होता है। कुछ सेंटेंस दिया रहता है, उसमें एरर्स होते हैं ग्रामेटिकल, वो आपको सही करने होते हैं। सेकेंड है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, इसमें भी कुछ इसी तरीके का होता है कि कुछ ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं जिसमें आपको ग्रामर की नॉलेज होना जरूरी है, फिर उसको आपको सही से इम्प्रूव करके सेंटेंस को लिखना होता है। देन थर्ड जो है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सो ये भी इसमें आता है। देन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच, जिसे नरेशन कहा जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपको स्कूल से ही सिखाया जाता है बट हमें याद नहीं रहता और हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा ये भी ब्रशअप करना जरूरी है। एंड नेक्स्ट है आपका फिलर्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें कुछ वर्ड जो है मिसिंग रहते हैं और आपको फिल करना रहता है। तो आपकी अगर वोकैबुलरी अच्छी है, आपको बहुत सारे वर्ड्स का नॉलेज है, रिच वोकैबुलरी है, तब ये वाला फिलर वाला सेक्शन आप सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। सो ये भी मैं कवर करवाने वाली हूँ। अब आपका थर्ड सेक्शन जो है वो है आपका कॉम्प्रिहेंशन, तो इसमें तीन पार्ट्स आएंगे। पहला होता है पैरा जंबल, इसमें क्या होता है कि किसी पैराग्राफ को हम जंबल कर देते हैं, मतलब शफल कर देते हैं। पैराग्राफ जैसे लाइन है, तो एक लाइन को ऊपर रख दिया, फिर दूसरे को नीचे रख दिया, ऐसे हम शफल कर देते हैं, फिर आपको पढ़ के उसे समझना रहता है कि कौन सा लाइन पहले आएगा, तो इसे बोलते हैं पैरा जंबल। सो ये आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। देन सेकेंड होता है क्लोज टेस्ट। सो क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया रहता है और उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं जिसको आपको पढ़ के समझ के बनाना पड़ता है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, फिर आपको ये सॉल्व करना रहता है। तो आपको इसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, सो इट्स इजी, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है पैसेज। सो ये प्रॉपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें आपको रीड करना है पूरा पैसेज, उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे और आपको वो सॉल्व करना है, और अगर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ है कोई पैसेज तो आप वो सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो भी मैंने बताया है, वोकैबुलरी हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, सब में कुछ ना कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आपको आसानी से सॉल्व करने में मदद करते हैं और आपका टाइम भी सेव करते हैं। तो सारी चीजें आई एम गोइंग टू कवर इन द कमिंग लेसन्स, और साथ साथ डेली सेंटेंस और बाकी चीजें जो मैं अपने चैनल पे लाती हूँ वो कंटिन्यू रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट।
जैसे अभी तक आपने मेरा सपोर्ट किया इस चैनल पे और बहुत सारी आपने विशेस दी हैं और एनकरेजमेंट दिया है मुझे, मैं चाहती हूँ कि ये जो नया सेगमेंट शुरू करने वाली हूँ अपने चैनल पे, उसमें भी आप जो अपना एक्साइटमेंट दिखाएं, लोगों तक शेयर करें वीडियो, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। आगे जाके आपको हो सकता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़े, या कोई फ्रेंड सर्कल में फैमिली में कोई प्रिपेयर कर रहा होगा तो उन्हें भी आपकी वीडियो जरूर शेयर करें। आप में से कोई प्रिपेयर कर रहा है अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तो आपको ऑल द बेस्ट, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसमें आपको बहुत कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी और आप इजीली और टाइम सेव करके अपना जो ये सेक्शन होता है एग्जाम्स में वो क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड आशा करती हूँ, आई होप कि आप जो है इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे एंड दूसरों तक शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।